मॉर्निंग और जय माता दी। आज है कन्या पूजन और मैं सारी रात सोई नहीं हूँ। आप मेरी शक्ल देख सकते होंगे, मैं सारी रात नहीं सोई और अभी टाइम हो गया है 4:45 का टाइम है। फिर मैं कब से सोच रही थी अभी उठते लेकिन करते 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 4:45 बजा ही दिए। क्यों? क्योंकि मैं ना टेंशन में थी यार, बाल मैं कैसे वॉश करूँ, क्योंकि शैम्पू मैं लेके नहीं आई थी। अभी उसके पास शैम्पू थे, मतलब उनके पास पार्लर से शैम्पू मिले थे 2000 के, तो इन्होंने मना कर दिया था, कह रहे बहुत महंगे, बाहर से ट्राई करेंगे। लेकिन मैंने चेक किया था, बाहर तो है नहीं, ऑनलाइन भी बहुत कम मिल रहे हैं। जो शैम्पू उन्होंने बोला ऑनलाइन भी बहुत कम मिल रहे हैं, इसलिए ना अब आज लेके आऊँगी मैं। वो पूरे 2000 के थे इसलिए इन्होंने मना कर दिया। अब तो लेने ही पड़ेंगे यार, बालों पर इतने पैसे लगाए हैं तो शैम्पू लेने में क्या वो है ना। तो चलो गाइस किचन से थोड़ा काम कर लेते हैं, अब आरिश करते हैं। यहाँ पे मैंने चने धो लिए हैं, अब इसको मैं पलटाऊंगी इस कुकर में। और चला कितना हो गया, 5:10 टाइम हो गया है। सो गाइस मैं यहाँ पे ले रही हूँ नाप के सूजी। कटोरी मैंने ली थी, 2.5 कटोरी ली थी, और सूजी का प्रसाद बना रही हूँ। मैं वैसे नापती नहीं हूँ, पहली बार मैंने नापा है और फिर भी बहुत अच्छा बना है। नाप के भी, बिना नापे भी बहुत अच्छा बनता है। तो वैसे भी उस दिन माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा ही बनता है। तो ये मैंने चीनी भी नाप ली थी, जितनी सूजी उतनी मैंने चीनी ले ली थी। और एक पास से, एक साइड पे मैंने रखा हुआ था प्रसाद बनाने के लिए हलवा, दूसरी साइड पे मैंने तेल चढ़ा रखा था, उसमें जीरा छोंका है। और उसके बाद मैंने ना नमक मिर्च हल्दी का घोल तैयार कर लिया, थोड़ा सा पानी मिला के नमक मिर्च हल्दी को घोल लिया था और ये मैंने ऑयल में डाल दिया था। इससे क्या होता है कि जलते नहीं हैं हमारे सूखे मसाले, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था जब तक इसमें घी ऊपर आ गया था। उसके बाद फिर मैंने चने जो थे वो उसमें डाल दिए, तो इतने अच्छे बने ना गाइस चने, बहुत ही टेस्टी बने। मैं वैसे ऐसे कभी बनाती नहीं हूँ, पिछली बार मैंने ट्राई किया था, यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब ऐसी चीज़ है यार, कुछ नहीं भी आता ना, अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो यहाँ पर हमारा प्रसाद भी रेडी हो रहा है, यहाँ पर प्रसाद भी रेडी हो गया, चने भी रेडी हो गए और हमारी बन रही हैं पूरियां। पूरियां देखो गाइस कितनी फूली फूली बनी है ना, कितनी मज़ेदार लजीज। आप देखिए चने देखो रंग कितना खूबसूरत है। और तकरीबन 7:30 बजे का टाइम होगा, तब तक मैंने पूरा ख़त्म कर लिया था। ये देखो 7:25 पे मेरा सारा काम जो है वो हो चुका था, पूरियां तैयार हैं। अब मैं उठाऊंगी झाड़ू, होऊंगी सफाइयों की तरफ, क्योंकि घर में सारे सो रहे थे, मैं अकेली जाग रही थी, भजन मैंने लगाए हुए थे। और ये लो मैं झाड़ू भी उठा लिया है, अंदर आ गई हूँ रूम में, गुड़िया को उठाया, गुड़िया ने देखा कि अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, वो फिर से अपना साइड ली और सो गई। ये देखो आरिश भी हिल रहा है। और फिर मैंने क्या किया, चलो सबको उठा के सफाइयाँ फटाफट से की और सबको जय माता दी। कन्या पूजन का दिन है, जय माता दी, परमात्मा सबके घर खुशियाँ लेके आए। मम्मी लोंगे चलो मेरी ना फटाफट मुंह धो लेते, जल्दी जल्दी बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठना? ऊपर आवा, मैं नैन्सी नहीं बैठाना है। तो यहाँ पे मैंने जोत जगा ली है और प्रसाद का भोग मैंने जो माता रानी को है वो लगा दिया था, टीका भी लगा दिया था। और अब यहाँ पे हम दे रहे हैं सारी कंजकों को, ये मैं प्लेटें लेके आई थी, चिप्स के पैकेट थे, चॉकलेट थी, और बहुत मज़ा आया यार, बच्चे बहुत खुश थे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, सो गाइस कंजकें हमने बिठा ली हैं और हम अब जा रहे हैं अपनी सिस्टर को कंजक देने के लिए। मैं अपनी सिस्टर को जा रही हूँ, ये अपनी सिस्टर को जा रहे हैं देने के लिए कंजक। और होटल लेके जा रहे हैं, बहुत काम करने वाले हैं। तेरा स्कूल बैग लेके आना है, बुक्स लेके आने हैं, बुक्स तो चल परसों ले लेंगे, बैग लेके आना, वाटर बॉटल सारा कुछ आरुष का। हाँ मेरा पर्स, मेरा हाथ से दे दो। तो चल ध्यान रखिए, अच्छा ओके, आने ऐसी जल्दी, ओके। ना वड्डा गोलगप्पा खाऊंगी क्यों,
बाल सिल्की हो गए ना। तो पेट पूजा के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ महावीर के, हमारे यहाँ पे ना महावीर वाले हैं तो उनकी शॉप से सारा कुछ मिलता है, जो मर्ज़ी आप ले लो। तो बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। गुड़िया का पसंद नहीं आया क्योंकि ना गुड़िया की इतनी वैरायटी भी नहीं थी, क्योंकि 10th क्लास के लिए लेना था तो इतनी वैरायटी भी नहीं थी। और बेटे का बैग तो बहुत अच्छा मिल गया तो यहाँ से हमने बाय कर लिया। इधर से पीछे बैक से दिखा दो। सो गाइस ये हम आरुष के लिए बैग लेके आए हैं, देखिए गाइस कितना प्यारा है ना, ये देखिए। नहीं इसमें बुक्स रखी हैं और इसमें नोटबुक रखी हैं आगे वाले में। अभी गुनू के लिए लेके आना बैग, कोई बैग मेरी बहन को। हां ये क्या खाएगा, आज मैं घूमेंगे। देखिए टाइम आपको बताऊं, रात को 1 बजने वाला है। और ये जनाब जी ये क्या लेके बैठे हैं, और चल बोलो तुम। हम जा रहे गाइस आरिश की कटिंग कराने, बिकॉज हमने कल स्कूल जाना है। ये तो कल बच्चों ने स्कूल जाना है, तो आरिश के बाल बहुत बढ़ चुके हैं और इसकी तैयारी 50% हो चुकी है। और बेटे के बाल कटवाने जाना है, बेटे के बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं। कैसा लग रहा है, नींद आ रही है? स्माइल नहीं बन रहा। सोना सोना, अरे वाह तो बड़ा सोना लग गया है। अच्छा बड़ा सोना हैवी है ना। एक गुनू का क्या आरुष का, एक गुनू का स्टील दी है ना। हाँ ठीक है, बड़ी हैवी है। असं देख लेंगे सके जो साढ़े स्कूल बच्चे लेके आते हैं ना वधिया वधिया टिफन, असं बड़ा फेर देंगे सके। वाटर बॉटल एक गुनू दी है, अच्छी है। गुन्नू फिर किवें दा फील हो रहा है, कल स्कूल जाना है? आरुष जी भी बड़ी सोहनी है। गुन्नू का स्कूल बैग, ये बुक्स तो इत्थे मिलन गया। हाँ अंदर दी स्टील है, ठीक है बहुत सुंदर है। आरुष का पहले लंच बॉक्स दिखाओ मैनू। आरुष का बैग भी एवं ही है पैंदा ना कुछ। सेम सेम बैग, सेम सेम टिफिन बॉक्स। तो गाइस 11:30 का टाइम है, ये आरिश सो गया है, आरिश ने कल जाना है स्कूल इसलिए जल्दी सुला दिया। अपने आप वैसे अपने आप ही सो गया, इधर नाल दा भी सो गया। क्या क्या है नहीं, मेरे मुंडे ने सस्ता के लेके आए हैं। वैसे चल सेम सेम है, सेम सेम है, अच्छा लग रहा है ना दोनों। सो गाइस टिफिन ये लेके आए थे और मैं इसको अभी वॉश कर दूंगी, बॉटल्स वगैरह सारा कुछ धो के रख दूंगी। और ये मेरी बेटी का टिफिन है और ये बेटे का टिफिन है, बढ़िया है। ये स्टील की है, मुझे ये सबसे अच्छी लगी, ये टिफिन बॉक्स सबसे अच्छा लगा मुझे स्टील का। ये हैवी में बहुत अच्छी क्वालिटी में, ये भी ठीक है। तो चलो अब ये इसको वॉश कर देते हैं, भर के रख दूंगी पानी और ये अच्छी तरह से सुखा के रख दूंगी ताकि फटाफट से सुबह इसमें टिफिन डालूँ और भेज दूँ।